हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज ज्योति। सो आज मैं आप लोग के साथ में ये वाला मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इजीली क्विकली बन जाएगा और ये आप डे टाइम और नाइट टाइम में भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही वर्सटाइल मेकअप लुक है, आप एवरीडे भी कर सकते हो और कोई पार्टी ओकेजन पर भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले तो अपनी क्लीन फेस पे अगर आप टोनर यूज़ करते हो तो टोनर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे मैंने एल्स गुडनेस का रोज ग्लो टोनर यूज़ किया है एंड देन मैंने एल्स गुडनेस का ये फेस क्रीम यूज़ किया है। ड्राई स्किन के लिए ये वाला फेस क्रीम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने पोन्स का SPF 50 यूज़ किया है और डे टाइम लुक कर रही हूँ तो ये इसीलिए लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एंड देन यहाँ पर मैं प्राइमर यूज़ करने वाली थी लेकिन मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करना लिटरली भूल गई, तो यहाँ पे मैंने आप लोग मत भूलना। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एनवेवे का रनवे रेंज का ये फाउंडेशन प्लस कंसीलर। इसे पहले फुल फेस में मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड देन फिट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। सेम फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही शेयर कवरेज आपको देता है। आप ये नाइट टाइम डे टाइम दोनों में इसे कैरी कर सकते हो, तो उसे भी अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड काफ़ी अच्छे से करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई कर जाता है, इसीलिए आप मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई करना। देन यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, बायोटिक का कॉम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छा कवरेज और अफोर्डेबल वाला कॉम्पैक्ट है। आप कोई अच्छा कॉम्पैक्ट तो ये वाला बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फर्स्ट आईब्रो फिलअप करूँगी। यहाँ पे मैं ADS का ये ब्लैक कलर का मैं आईब्रो ले रही हूँ, आईब्रो पाउडर, तो एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने फिलअप कर लिया है। एंड देन ये आई मेकअप लुक मैं बहुत ही इजीली क्रिएट करूँगी। ये सिंगल आई शेडो है और ब्राउन कलर का एक शेडो है सेम ADS वाला। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये ग्लिटरी शेड लगाई है, ग्लिटर नहीं, बहुत ही हल्का वाला एक शाइन है ये वाला शेड लगाई है। एंड डायरेक्टली मैंने ब्राउन कलर का एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से आई शेडो को आउटर एंड थोड़ी थोड़ी करके क्रीज को भी फिलअप किया है। तो देख सकते हो गाइस कितनी इजी एंड क्विकली आपका ये वाला आई मेकअप लुक बन जाएगा। सेम ब्राउन शेडो को मैंने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है और काफ़ी अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे मैंने आईलाइनर के लिए यूज़ किया है एनसाइन का आईलाइनर और ये इसका ब्रश काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी अच्छा है, तो इससे मैंने एक विंग्ड, बड़ी सी विंग्ड आईलाइनर अप्लाई किया है। आप चाहो तो बस लाइन देख के छोड़ सकते हो या तो छोटा सा विंग्ड भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आई थिंक बड़ी वाली विंग लाइन काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ब्राउन कलर का शेडो लगाई है। और सेम जो मैंने आईब्रो को लगाए थे वही मैं लोअर लैश लाइन को आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक काजली इफेक्ट आए, और काजल लगाने से मेल्ट डाउन होता है तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यहाँ पे मैंने लैसेस को कलर कर लिया है एंड देन यहाँ पे मैं मैक का फर्स्ट कॉपी ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है। यहाँ पे मैं कोई भी फॉल्स लैसेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बस डबल ट्रिपल कोट मैंने मस्कारा अप्लाई किया है। देन यहाँ पे मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक। मैं यहाँ पे कोई भी कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ, ब्लश भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिपस्टिक को एज अ ब्लश की तरीके से यूज़ कर रही हूँ एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये आपको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और काफ़ी अच्छा आपको अफेक्ट देगा, पैची लुक नहीं देगा, बहुत ही ब्लेंडेबल लगेगा इसीलिए। देन यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वैसे किस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है एंड देन यहाँ पे मैंने क्या है इसका हाइलाइटर अप्लाई किया है जो कि वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। हाइलाइटर अपनी हायर पॉइंट्स पे अप्लाई करने के बाद मैं सेम सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं सेम एक न्यूट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि मैंने अपनी चिक्स को एज अ ब्लश यूज़ किया था। सो ये लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं एक थोड़ी सी भी डार्क पिंक सेट लिपस्टिक लूँगी एंड थोड़ी थोड़ी मैंने अप्लाई करके
बस थोड़ा सा इसमें वाइब्रेंट कलर देने के लिए बस अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। और मैं यहाँ पे भूल गई प्राइमर लगाना, ये इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो गाइस बस यही रहा आज का वीडियो, कुछ इस तरीके से मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। आप चाहो तो बर्न कर सकते हो, साइड ब्रेड कर सकते हो अपनी ड्रेस के हिसाब से। तो आई थिंक अगर आप लोग को ये वाला मेकअप लुक पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्रोडक्ट्स का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।